कैसे हो आप सभी लोग? मस्त मस्त, बढ़िया। चलो, तो हमने रिलेटिव मोशन पूरा कर लिया। yes. कर लिया ना, उसका टेस्ट हो गया, अपना क्वेश्चन भी कर लिए। अभी अपना करने वाले हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? दैनिक जीवन में आपने जरूर देखा होगा, जरूर ऑब्जर्व किया होगा। कभी गेंद फेंकी है? हाँ। क्रिकेट में छक्का तो जरूर लगाया होगा आपने। yes, तो जैसे आप ऐसे सिक्स मारते हो, ऐसा जाता हो, गिरता है ना, तो वो क्या है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन है। अरे है कि नहीं है? उसके अलावा अगर कभी कभार मान लो कोई, वो बोलते हैं ना, डेयरिंग करने की इच्छा हो रही है किसी की, तो छत पे खड़े हो जाओ और सुसु कर दो, तो जो सुसु का पात बनता है वो भी कैसा है बनता है? वो भी क्या है बेटा? प्रोजेक्टाइल ही है। किसी को ऐसे पत्थर देना हो, है ना, तो ऐसे गेंद बना के फेंकते हैं ना, तो वो भी कैसे करता हो जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन करते हो जाता है। और तो और, अभी के तो खैर एडवांस हथियार आ गए, अगर किसी पे बॉम्ब गिराना होता है, या टैंक, नहीं होते थे पुराने वाले टैंक, तो देखे होंगे टैंकर, अरे जो युद्ध में काम में लेते हैं, है ना, तोप होती हैं, उस तोप का ऐसे मुंह कर देते हैं ऐसे, और फिर फायर होता है, झुड़ बॉम्ब जाता है आगे, और वो कैसा करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। अरे करता है कि नहीं करता है? हाँ। तो ये सब क्या है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब इसमें खास रूप से क्या हो रहा है ऐसा, वो अपने को समझने की जरूरत है। उससे पहले ये अपने को ये समझने की जरूरत है कि वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, टू डायमेंशन मोशन क्या होता है, और थ्री डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए, वन डायमेंशन तो वो मोशन होता है जिस जो मोशन किसी लाइन के अलोंग हो, किसी भी लाइन के अलोंग हो, वो जरूरी नहीं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो, वो हो भी सकती है लेकिन जरूरी तो नहीं है ना। वो एक्स वाई के बीच में किसी एक लाइन से जा रहा हो, एक्स वाई के बीच में किसी एक लाइन से जा रहा हो, तो अगर एक्स और वाई के बीच में एक ऐसा रिलेशन आएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एक किसका रिलेशन है? स्ट्रेट। अगर ये स्ट्रेट लाइन का है और वो उसके अलोंग जा रहा है तो कैसा होगा? वन डी मोशन होगा। यानी लाइन के अलोंग जो भी मोशन होगा कैसा होगा? वन डी मोशन होगा। और टू डी मोशन कैसे होगा? जो इस प्लेन के अंदर हो तो उसके अंदर कम से कम दो डायमेंशन आनी जरूरी है। कितनी आनी जरूरी है बेटा? दो डायमेंशन। जैसे ये एक लाइन में खींच दू तो क्या ये वन डी हुई? टू डी ये वाली, बताओ, ये वन डी ही है, इसमें दूसरी डायमेंशन अभी आई ही नहीं है। दूसरी डायमेंशन कब आ सकती है? जब वो इस लाइन को छोड़कर कहीं जाने लग जाए, इस बोर्ड में ही रहे। ये जो बोर्ड है बेटा ये कैसा है? टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशन कैसे हुआ? सर एक डायमेंशन तो ये रहा वाई एक्सिस और ये क्या रहा एक्स एक्सिस, तो दो डायमेंशन हुए कि नहीं हुए? अगर कोई भी पार्टिकल इसके अंदर कैसे भी मूव करेगा तो वो कैसा होगा? टू डायमेंशन। एक लाइन नहीं होनी चाहिए, लाइन तो ऐसे 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 कहीं भी रखो, वो वन डायमेंशन ही होगी। लाइन के अलावा जैसे ये वाला हो गया, ये कैसा हो गया बेटा? टू डी होगा ना, पहले वो इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, लाइन के अलोंग नहीं है, ये कैसा है? टू डायमेंशन। इसमें एटलीस्ट दो डायमेंशन तो यूज हुई हुई है, इसमें नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आपकी कल की कल को इच्छा हुई, बोलो वाई एक्सिस इसको मान लो और एक्स एक्सिस इसको मान लो, ये लो फिर से एक्स एक्सिस ही हो गए, तो वन डायमेंशन ही रहा ना। हाँ, लेकिन इसमें पक्की बात है दोनों डायमेंशन आ ही जाएंगी। अरे आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। तो अपना जो प्रोजेक्टाइल है वो टू डी मोशन है या मोशन इन प्लेन है। एक तीसरा और भी होता है थ्री डी मोशन, जो मक्खियाँ उड़ती हैं या हम भी जो चलते हैं वो कैसे चलते हैं? थ्री डी में चलते हैं ना। हाँ, थ्री डी में चलते हैं, चलते हैं क्या? थ्री डी का मतलब होगा जैसे अभी दूसरे फ्लोर पे जाना हो तो वो थ्री डी में हो जाएगा। जैसे ये फ्लोर होगा वो पूरा का पूरा किस में होगा? टू डी में। थ्री डी तो दूसरा होगा ना, एक और होगा अलग से। तो जैसे ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और ये इधर वाला कौन सा हो गया? सॉरी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। तो कोई मक्खी है जैसे ऐसे चल रही है, थोड़ी देर यहाँ पर चली, फिर उसने उड़ना प्रारंभ किया ऐसे इस तरीके से, तो ये कौन सा मोशन है? थ्री डी मोशन। वो बीच में गायब नहीं है, वो इधर उड़ने चली गई। यहाँ पर तीनों डायमेंशन का यूज हुआ है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है ना? अब अपन थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का बेसिक्स ले लेते हैं। तो पत्थर तो फेंका ही हुआ जीवन में कभी, आज फिर से फेंकना सीख, किसी के ऊपर नहीं फेंकना, ठीक है ना, वरना सर फोड़ देगा तुम्हारा। हाँ, तो क्या है बेटा, ये मैं मान लेता हूँ कि अपना हॉरिजॉन्टल है, इसी को मैं क्या मानूंगा? एक्स एक्सिस। देखो, जब भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करो ना, वेक्टर से करना, और वेक्टर का मतलब होगा इस डायरेक्शन को अलग से कंसिडर करना, इस डायरेक्शन को अलग से कंसिडर करना, और जैसे ही दोनों को अलग अलग कंसिडर करके करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अरे बोलो, पक्का ना?
तो चलो हम यहां से क्या फेंकते हैं बेटा, एक पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर के पास होगी एक इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u, कितनी होनी जरूरी है बेटा u, और एक होगा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप इसको बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मैं लिख देता हूं थीटा क्या है बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रक्षेपे, प्रक्षेपे कौन है, कौन है गति, और ये u क्या है, इनिशियल, इनिशियल प्रारंभिक वेग, बात समझ गए ना, ओके। अब ये पत्थर कैसे जाएगा, शॉट मारा है तुमने क्रिकेट का, कैसे जाएगा, और यहाँ कैच आउट, अरे नहीं चलते, छक्का चला जाएगा, अपनी शक्ल देख, शक्ल का मतलब बॉडी देख अपनी, इस हड्डी से तो नहीं जा पाएगा, कैच आउट ही होगा, थोड़ा वेट वेट बढ़ा यार, क्या कर रहे, अब देखिए वास्तविकता में जब तुम शॉट मारते हो ना, एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसमें हवा का जो एयर ड्रैग होता है ना, घर्षण, वो भी लगता है। यहाँ अपन मान रहे हैं कि हवा नाम की कोई चीज ही नहीं है, ओके सर, ओके ओके, बस समझ गया आपकी बात। अब देखो तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, जिसको अपन बोलते हैं धरती माता का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो किधर लग रहा है, नीचे की ओर, किधर लग रहा है, नीचे की ओर, एम जी लग रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, जी कितना लग रहा है, जी लग रहा है, जी तो लग गया। अब देखो ये जो यू से फेंका है, इसके दो कंपोनेंट है बेटा, कौन कौन से, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ध्यान रखे मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये, अरे कोई दिक्कत है क्या इसको ऐसे डिवाइड करने में किसी को, नहीं है ना, तो बोलो एक्स एक्स के अलोंग वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बेटा, कोस, क्योंकि उसी के साथ एंगल बना है, और एक ऊपर की तरफ है, कौन सा बेटा, यू साइड। अब देखो मैं बोल रहा हूं जो दोनों कंपोनेंट आए हैं उनको अलग अलग कंसिडर करना है, तो अगर मान लो कि यू कोस थीटा को मैं भूल जाता हूं, तो मैंने क्या किया है, एक पार्टिकल को यू साइन थीटा से किधर फेंका है, ऊपर की ओर फेंका है, तो वो ऊपर आएगा 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 और यहां जाकर रुक जाएगा, यानी यू साइन थीटा यहां पर आते आते जीरो जाएगा, और फिर वापस नीचे जाएगा 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 जाएगा, और जब नीचे वाले टकराने वाला होगा तो वापस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो कैसे होगा, यू साइन थीटा नहीं हो जाएगा नीचे की ओर, जितने से फेंका उतने से ही वापस नहीं आता, अरे यही तो अपन कंडीशन पड़ी है, जितने से फेंका है उतने से ही वापस आएगा, यानी यू साइन थीटा से फेंका है तो ये धीरे 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 यू साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम, और इस वाले पॉइंट पर कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा, तो मैं लिख दूं ना यू वाई जो हो गया वो कितना हो गया, जीरो, यानी वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, ये क्या है बेटा, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो गया, जेड ई आर ओ, जीरो, अरे हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ। अब देखो बाकी एक्स डायरेक्शन का, सर एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही, अरे है क्या, अरे सर एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स नहीं है तो बताओ यू कोस थीटा यहां पर भी कितना रहेगा, यू कोस थीटा ही रहेगा, वो कैसे बदल जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अगर नहीं है तो इसका वेलोसिटी बदलने वाला, अरे एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ही जीरो है, तो ये किस, लेकिन किस डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक्स, वाई बदलेगा, जमाना बदल जाएगा, और इस वाले पे सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर रहेगा कितना, यू कोस थीटा, यहां वर्टिकल वाला कितना हो चुका है, तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है। अच्छा थोड़ी देर बाद जब यहां आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, यू कोस थीटा, और इधर वाला ये बढ़ने लगेगा, अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ इसको ऐसे मिलाओगे ना बेटा, तो जिस टाइम ये ऊपर की ओर जितने से जा रहा था वापस नीचे से उतने से ही आ रहा होगा, अरे बोलो बोलो, तो जब नीचे टकराने वाला होगा तो वापस कितना हो जाएगा बेटा, यू कोस थीटा में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन यू साइन थीटा वापस आ जाएगा, अरे जितने से फेंका उतना ही आएगा, आएगा कितना आ गया बेटा, यू, और जो जो टोटल निकालोगे वो कितना आ जाएगा, यू ही आएगा, अरे मतलब मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अगेन यू ही आ जाएगा ना, हाँ, और वो एंगल कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है ना, तो अगेन कितना रहेगा थीटा, वैसे भी कंपोनेंट देख लो, यू कोस थीटा यू साइन थीटा बनने चाहिए, अरे ये बात समझ आ रही ना, ये पाथ समझ में आ रहा है ना, इसका रास्ता समझ में आ रहा है ना, और उसके हर रास्ते के हर पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है ये भी समझ में आ रहा होगा, जितने से फेंका है इस बैग को नीचे रख ले, इतना दुखी क्यों हो रहा है जीवन में,
आराम से बैठ। हाँ तो, या कुछ ऐसे खाने की चीज़ लाए है जो चोरी हो सकती है। बादाम लाए, कच्चा बादाम। चलो समझ आ रही बात, यू कोस थीटा नहीं बदलेगा, कम से कम तब तक तो नहीं बदलेगा जब तक कि इस दिशा में कोई त्वरण या एक्सेलरेशन नहीं आ जाता। लेकिन सर वाई वाले में तो है, अब जो वाई है ना वही निर्धारित करेगा कि ये कितना ऊंचा जाएगा, क्योंकि कौन लेके जा रहा है ऊंचाई पर, कौन लेके जा रहा है वाई वाला वेलोसिटी, और इसको दूर कौन लेके जा रहा है एक्स वाला वेलोसिटी, और ये टाइम कौन डिसाइड करेगा, कौन सा यू, यू साइन थीटा ही करेगा, क्योंकि टाइम जितनी देर ऊपर जाएगा और नीचे आएगा वही टाइम डिसाइड होगा। तो तीन चीज अपन निकालते हैं इसके अंदर, एक तो हाइट निकालते हैं, है ना, एक क्या निकालते हैं टाइम निकालते हैं, एक क्या निकालते हैं रेंज निकालते हैं। रेंज यानी प्रास, एक होता है हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम। ये जो हाइट है ना बेटा, ये हाइट, इसको क्या बोलते हैं अपन, एच मिक्स, ठीक है ना, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं रेंज, यानी परास बोलते हैं। बाकी एक टाइम और होता है, उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बेटा, जितना भी टोटल टाइम लगा है वो कितना टाइम लगा टी, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हिंदी में उड्डयन काल बोलते हैं, अजीब अजीब से बड़े होते हैं उड्डयन काल, अरे उड़ने का समय कुल मिलाकर, उड्डयन उड्डयन काल, नहीं सुना क्या, क्या हिंदी पढ़ के आ रहे तू, प्योर हिंदी, शुद्ध हिंदी। चलो तो मुझे बता सकते हो क्या इसका वेलोसिटी कैसे लिखूं मैं? सर 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 सर, इसका वेलोसिटी आपको लिखना चाहिए एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी आई कैप प्लस में वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी। सर जमाना बदले, मौसम बदले, लेकिन ना बदले एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी। यही वो सेट था जो मैं सुनाना चाह रहा था, यू कोस थीटा आई कैप, ये तो नहीं बदलने वाला। अरे बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। और ये वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी, बोला मैं तो बदलूंगा, v बराबर यू प्लस ए टी लगेगा। अरे कौन सा लगेगा, v बराबर, तो v हो गया, लेकिन ये सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये एक्स डायरेक्शन का नहीं है। तो कितना होगा, u u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। देखो देखो v बराबर u प्लस ए टी होता है, u कितना है इनिशियल u sin थीटा, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए उसको हम क्या ले लेंगे बेटा, प्लस ले लेंगे, और नीचे वाली को माइनस, प्लस में 80 आता है लेकिन एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर है तो माइनस जी टी। अरे आया कि नहीं आया, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी होगी तो क्या लिख दूंगा मैं, u cos थीटा i कैप प्लस में u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। बोलो बोलो बोलो, ये तो हो गया भैया अपन का वेलोसिटी लिखने वाला काम। अरे हुआ कि नहीं हुआ, खास फर्क नहीं पड़ रहा इससे, पड़क तो पड़ ही रहा है, लेकिन अपन को वेलोसिटी लिखनी चाहिए। दो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, वाई डायरेक्शन का, ठीक ठाक बढ़िया बात है। अपन निकालना चाह रहे हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालना चाह रहे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी निकाल दूं, अरे टी निकाल दूं ना, और वो टी कितना होगा, सर जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही नीचे जाने में लगता है, तो सर एक बार ऊपर जाने का टाइम निकाल लो, एक बार उसका डबल कर दो। सर ऊपर जाने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम कौन निर्धारित करेगा, वाई डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा बेटा, और वाई डायरेक्शन में कितना आ जाएगा बोलो, सर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, अरे वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, अरे यू साइन थीटा धीरे 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 रुक गया, तो यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो, अब जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम। अच्छा सर तो मैं लगाऊंगा v बराबर u प्लस at, ये सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन के लिए है, y डायरेक्शन के लिए, ये कितना हो गया जीरो, ये कितना था u sin थीटा माइनस gt, तो t बराबर कितना आ गया u sin थीटा डिवाइड बाई g, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, टूटी कर दो इसका, तो कितना आया 2u sin थीटा डिवाइड बाई। इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखने के बजाय ज्यादा अच्छा है, मैंने वन डायमेंशन में बताया था कि कैसे याद रखेंगे, t इज इक्वल टू टू यू एक्स वाई, टू यू, अरे y डायरेक्शन का वेलोसिटी नहीं है क्या, u sin थीटा y डायरेक्शन का वेलोसिटी है, और ए वाई डिवाइड बाई ए वाई एक्सेलरेशन ऑफ y डायरेक्शन, ये बताया था मैंने उस टाइम पे, वही चीज यहां पर आ रही है। अरे आई कि नहीं आई, आई 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 आई। चलो सर हाइट भी निकाल लेते हैं फिर,
अरे बोलो, अरे निकाल ले क्या सर? हाइट हाइट कौन डिसाइड करेगा? अरे यही डिसाइड करेगा ना, वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी, क्योंकि वही तो लेकर आ रहा है ऊपर की ओर, और कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कैसा आएगा, कैसा आएगा, कैसा आएगा, कैसा कैसा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, या तो ये लगा सकता हूँ, या एस इक्वल टू यू टी प्लस, आपकी मर्जी है, कोई सा भी लगा दो। इसके अंदर टाइम का खेल नहीं है, टाइम वैसे कैलकुलेट कर लिया, अंतिम कितना हो गया? जीरो। इनिशियल का स्क्वायर प्लस टू इंटू में माइनस जी इंटू में एच, एच मैक्स लिख देता हूं, एच मैक्स, ठीक है? यहां से जब एच मैक्स कैलकुलेट करोगे तो आएगा यू स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। अरे आया कि नहीं आया? ज्यादा अच्छा है कि अपन इसको ऐसे याद करें, कैसे बेटा? एच मैक्स इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई, सॉरी यू वाई, मैंने वहां पर भी बताया था बेटा, वहां पर भी बताया था कि यही आता है, आता है ना? अगर तुम देखो ऊपर से जब एक पार्टिकल को छोड़ा जाता है h हाइट से, तो जब नीचे आता है तो उसका वेलोसिटी कितना होता है? अंडर रूट टू जी एच होता है ना। तुम यहां से निकालो जरा, कितना आएगा? अंडर रूट टू जी एच, यही आएगा ना, वही आता है, हर बार वही आता है, कोई चेंज नहीं। बस यहां पर इस बार क्या आएगा? कंपोनेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? कंपोनेंट। अरे अपन को तो वाई डायरेक्शन से मतलब है ना, ऊपर कौन लेके जा रहा है? सिर्फ वाई डायरेक्शन लेकर जा रहा है। हाँ यस सर, अगर आप ठीक तरीके से देख पा रहे हो तो ये क्या है बेटा? ये है एक्स डायरेक्शन, और ये क्या है बेटा? वाई डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन को अलग अलग देखना शुरू कर दो और प्रोजेक्टाइल खत्म हो गई, तो फिर से 1D हो गया है। तो इधर का एक 1D यू कोस थीटा, उधर का एक 1D कौन सा? यू साइन थीटा। दोनों का अलग अलग 1D नहीं हो गया क्या? हो गया है, हो गया ना। अब देखो एक चीज और निकालनी बाकी रह गई, उसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं बेटा? अब रेंज कौन मतलब? तो बेटा रेंज निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी, केवल एक्स का ही थोड़ी है, अब ये कितनी देर हवा में रहा ये भी तो है, टाइम भी आएगा। कौन आएगा बेटा? टाइम। अगर इस डायरेक्शन में फेंका और टाइम कम है तो वो तो जल्दी नीचे गिर जाएगा, फिर टाइम ज़्यादा रहेगा तो फिर कोई देर तक उड़ेगा, तो फैक्टर किसका है बेटा? टाइम का भी तो है। तो रेंज जो आएगी, रेंज क्या होता है वैसे? डिस्टेंस हो गया, तो स्पीड इंटू, अरे बोलो स्पीड इंटू, स्पीड कितनी है? यू एक्स लिख दूं मैं, यू कोस थीटा यू एक्स है ना, और इंटू में टाइम कर दूं, अरे बोलो, तो आर बराबर यू एक्स इंटू में टू यू वाई डिवाइड बाई ए वाई। बोलो कितना आ गया बेटा? आर इक्वल टू टू यू एक्स यू वाई डिवाइड बाई, इस तरीके से याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, इसको सारी वैल्यूज पुट कर दो, यू कितना है? यू कोस थीटा इंटू में यू साइन थीटा डिवाइड बाई, अरे बोलो। अच्छा 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 सर, ये यू यू स्क्वायर बन गया, टू साइन थीटा कोस थीटा, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई, और ये बड़ा ही काम का फॉर्मूला है, ये बड़ा ही काम का फॉर्मूला। तो तीन फॉर्मूले हैं अभी तक, टाइम का, टाइम का कितना होता है? टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। एक आया हाइट का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी। तीसरा आया यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी, अरे यही आया ना, अरे बोलो पक्का? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? अरे देखो काम की चीज क्या है इसके अंदर, इसके अंदर काम की चीज क्या है? अरे काम की चीज तुमको दिखाई नहीं दे रही होगी लेकिन है। मैं बोलूं कि आपको एक बाटा फेंकना है, और बाटा जो फेंकते हो ना पत्थर, है ना, वो जो पत्थर फेंकते हो उसके अंदर आपका यू कांस्टेंट रहेगा, यानी आप ज्यादा से ज्यादा कितने से फेंक सकते हो? जैसे मान लो कि 30 मीटर पर सेकंड फिक्स है, तो आप कितना भी दम लगा दो, चाहे ऊपर फेंकवा लो तुमसे, चाहे सीधा फेंकवा लो, चाहे इधर फेंकवा लो, चाहे किधर भी फेंकवा लो, वो नहीं बदलने वाला।
अरे बदलेगा क्या? वो कभी भी नहीं बदलेगा। अगर कभी नहीं बदलेगा तो इसका मतलब है कि थीटा बदल सकता है। अरे यस और नो? तो थीटा का मान ऐसा क्या होना चाहिए कि तुम उसको दूर से दूर फेंक सको, या फिर यूं कहो कि जब शॉट मारना हो तो बैट का मुंह किस तरीके से करो ताकि गेंद ज्यादा से ज्यादा दूर जाए? कितने पे करेंगे? क्योंकि यू कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, तो बचा कौन? साइन टू थीटा। और ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब कितना हो सकता है? एक पर। एक पर होने के लिए थीटा कितना होना जरूरी है? 45। 45 दूनी 90 हो गया। अरे बोलो। तो आर थीटा बराबर जब कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो इसका मैक्सिमम आएगा रेंज, वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। और वो कितना हो सकता है? यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। ओके, ये मैक्सिमम है। और मैक्सिमम कितने एंगल पर होता है ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? एक क्वेश्चन लिख लो फिर मेरे लिए, एक छोटा सा लिख लो। लिखो, एक प्रोजेक्टाइल को, प्रोजेक्टाइल समझ गए ना, या फिर एक पत्थर को, 30 डिग्री एंगल पर फेंका जाता है, 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, 30 डिग्री। और ये कोण किसके साथ है? ब्रैकेट में लिख लेना, क्षितिज के साथ, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ। क्या? एक कण को या एक पत्थर को क्षितिज के साथ 30 डिग्री कोण पर फेंका जाता है, 30 डिग्री कोण पर फेंका जाता है, हाँ 30 डिग्री कोण पर फेंका जाता है। तो उसकी परास यानी रेंज जो होती है वो कितनी रहती है? बोलो। तो उसकी रेंज R होती है, तो उसकी परास R होती है। लिख लिया? अब बताओ ना, अब आपको बताना है इसको अन्य किस एंगल पर फेंकना चाहिए, इसको दूसरा कोई एंगल बताओ ताकि रेंज बुकी हुई आई, वो थीटा बताओ दूसरा। हाँ, क्षितिज के साथ ही बताना, हॉरिजॉन्टल के साथ ही। दूसरा वो एंगल बताओ जिससे उसका रेंज सेम आए। रेंज क्या आना चाहिए? समान प्राप्त हो, जिससे उसका रेंज समान प्राप्त हो। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड इट्स रेंज इज आर, कैन यू फाइंड द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, अदर एंगल है ना, अदर देन द 30 डिग्री इन विच रेंज सेम हो। सेकेंड लास्ट लाइन बोलिए क्या? एंगल बोला, पर्सन द्वारा बोलना है क्या? पर्सन दोबारा बोलूं क्या? हो गया, लिख लिया ना मिस्टेक। हाँ, तो आपको बताना है, ऑप्शन ऐसे ही है आपका, जैसे 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, इस तरीके से, मतलब आपकी मर्जी है, कुछ ही मान सकते हो, बस आंसर चाहिए मुझे बताओ, या फिर कोई संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, या तो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा भी ऑप्शन है, संभव नहीं, कि 30 डिग्री के अलावा कोई और संभव नहीं हो सकता, कि भैया 30 पर फेंका तब भी उत्तर आ रहा है, और कितने पे फेंके तो कि उत्तर आ रही है जी? सेम आ रहा क्या? देखो आना कितना चाहिए, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू आर, तो सेम ही रहेगा, तो यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री हो जाएगा, 2 × 30 बोलो डिवाइड बाई जी, कट गया, अरे बोलो। तो कैसे करें सर? सर सर इसको क्या लिख सकते हो तुम? हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब एंगल कितना है सर? ये तो 2 θ 60 डिग्री आ रहा है ना, देखो साइन 2 θ, ये देख, इसका मतलब क्या बेटा कि साइन 60 का मान थीटा का मान ऐसा क्या रखूं? 30 पे तो ठीक ही है,
इस पे तो ठीक ही है, उसके अलावा देखो देखो देखो, आपको पता नहीं है वैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा भी होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? नहीं होता क्या? होता है सर। या ऐसा बोल दूं मैं पाई बाई टू माइनस थीटा, अभी ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा ना, होगा कोस थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, कोस थीटा हो जाएगा, तो ये नहीं होता है। अच्छा सर ये नहीं होता तो अपन को दो से गुणा करना पड़ेगा, जैसे ही मैं दो से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, साइन पाई माइनस टू थीटा, अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी आपका जो साइन थीटा है वो पाई माइनस टू थीटा पर भी सेम ही वैल्यू देगा, देगा कि नहीं देगा? देगा। तो कितने पे देगा? यानी जो 60 डिग्री पर मिल रहा है वो 120 डिग्री पर भी मिलेगा। अरे मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं है, जो 60 पे मिलेगा वो 120 पर भी मिलेगा ही नहीं मिलेगा। यहाँ मुझे साइन 60 देखना था ना, तो इसका मतलब ये कितना आना चाहिए 120 आने के लिए थीटा कितना होना जरूरी है 60, इसलिए वो 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपको ये ध्यान में रखना है, पता है इसका मतलब क्या हुआ अंत में, अगर हमने 30 फेंका एक बार है ना तब रेंज आ रही है ना, दूसरी बार कितने पे रेंज आ रहेगी 60 डिग्री पे, तो वो वर्टिकल के साथ में कितना हो गया, फिर भी 30 हुआ। अरे वर्टिकल के साथ कितना हुआ, अगेन 30 हुआ ना वर्टिकल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है 60 है, तो वर्टिकल के साथ 30, यानी चाहे तो तुम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा पर फेंको या वर्टिकल के साथ थीटा पर फेंको, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, आर ही आएगा, यानी रेंज नहीं बदलने वाली। क्यों नहीं बदलने वाली, आर बराबर, एक बार तो आपका एंगल क्या है थीटा है ना, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई क्या हो गया जी, और दूसरी बार गर्म सा क्यों लगा, हाँ दूसरी बार आपका जो थीटा डेस है वो कितना हो चुका है बेटा पाई माइनस, सॉरी पाई बाई टू माइनस, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ये इस बार जब हमने उसको वर्टिकल के साथ थीटा पर फेंका तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो गया पाई बाई टू माइनस थीटा, तो इसके अंदर रखो तो कितना हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू में साइन टू इंटू में पाई बाई टू माइनस थीटा, कितना आएगा पाई माइनस टू थीटा, और साइन पाई माइनस टू थीटा कितना हो जाएगा साइन टू थीटा, इसका मतलब अगेन वही आ गया ना। हाँ तो कहने का मतलब क्या निकला कि आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा पर फेंको या वर्टिकल के साथ थीटा पर फेंको, आंसर जो रेंज का है वो हमेशा क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है ना। अभी तो आपको ये बात समझ में कम आ रही होगी, जब इसका इक्वेशन और पाथ पलटेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि उसके अंदर दो क्या बन रहे होंगे बेटा, नहीं नहीं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थीटा के अंदर बन जाएगी बेसिकली, तो वहाँ से उसके दो रूट आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा सवाल ये था कि अपने को दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, तो अगर 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है तो वर्टिकल के साथ भी कितना होना चाहिए 30 ही होना चाहिए, हाँ अगेन हॉरिजॉन्टल के साथ वो 60 पर आएगा, ठीक है ना, बोलो ठीक है भैया, ठीक है। कुछ एक थोड़े सिंपल सिंपल प्रश्न कर ले, ये नहीं समझा लिख रहा है, लिखा नहीं था क्या, बाद में लिख लेना सेम ही चीज़ है, ज़्यादा अच्छा ये है, ये लिख ले एक ही बात है, लेकिन नोट डाल के लिख लेना है ना, ये बात खुद के शब्दों में जो मैं बोल रहा हूँ ना वो अपने शब्दों में लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि मैंने बोल दिया कि थीटा किसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ और वर्टिकल के साथ सेम होगा तो रेंज भी क्या आएगी सेम, ऐसे अपनी भाषा में कुछ भी लिख लो, जिस भाषा में लिखना आता है उस भाषा में लिख लो, हिंदी में लिखना आता है हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना आता है इंग्लिश में लिख लो, किसी और में मराठी पंजाबी जिसमें आता है गुजराती राजस्थानी सब में लिख डालो, ओके। पक्का आगे बढ़े,
चलो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ठीक है ना, ध्यान से देखने और गौर करना और फिर आंसर देने की कोशिश करना। मैं तीन चार बाटे फेंक रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, तीन चार बाटे फेंक रहा हूँ। पहला बाटा फेंका मैंने, यहाँ जाकर गिरा, ये कौन सा है, बाटा नंबर एक। मैंने दूसरा फेंका, दूसरा यहाँ जाकर गिरा, बोलो गिरा कि नहीं गिरा। तीसरा फेंका मैंने, ऐसे गिरा, ये बाटा नंबर तीन। अरे पत्थर है, स्टोन है, पार्टिकल है, तो लेकिन जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सबका पॉइंट क्या है, सेम है ना, तीन लिए मैंने एक बार वैसे। और कुछ गौर करने वाली और भी बात होगी जो इस डायग्राम से अपने आप क्लियर होंगी। आपको ये बताना है, ये बताना है, क्या बताना है, है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम का रेशियो, कि टाइम सबसे ज़्यादा किसको लगेगा, टाइम सबसे कम किसको लगेगा। तो टाइम का रेशियो बताना है, यानी इसको टाइम कितना लग रहा है बेटा, टी वन, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इसका, टी वन, इसको कितना लग रहा है, टी टू, इसको कितना लग रहा है, टी थ्री। बताओ टी वन रेशियो टी टू रेशियो टी थ्री कितना आएगा, मतलब इनमें रिलेशन तो बता ही सकते हो क्या, मतलब इनमें रिलेशन बता दो ऐसे कि T1 greater than T2 greater than T3, या फिर T1 less than T2 less than, या फिर ऐसा ऑप्शन दे दूं मैं, तो दूसरा ऑप्शन ऐसे दे दो T1 T2 T3, तीसरा ऑप्शन ऐसा दे दो क्या, T1 बराबर T2 बराबर T3, और कौन सा ऑप्शन बच गया, चलो नन ले लो अगला, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला, सेकेंड, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ तो है ही नहीं किसी का, सेकंड वाला है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर जा रहा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है बताओ बताओ बताओ, फिर से सोचते टाइम का क्या था कंसेप्ट, टाइम किस पे डिपेंड करता है, वाई एक्सिस में, और हाइट पे किस पे डिपेंड करती है, तो हाइट सबकी सेम है ना, अगर हाइट सबकी सेम है इसका मतलब वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी भी सबका सेम होगा, इसका मतलब सबका टाइम भी। लिख देना हाइट क्या है सबकी, सेम है, अगर हाइट सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी यू एक्स होगा, वो क्या होगा, सेम का सेम होगा। अगर इस डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम है तो भैया क्या होगा, सबका टाइम भी सेम ही होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन करता हूं मैं इसी के अंदर, कर लो मेरे को क्या दिक्कत है, ये है थीटा वन, नहीं थीटा वन वाला तो ठीक नहीं रहेगा, दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर आ गया ना बेटा, कि सबके वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है उनका रेशियो कितना आएगा, या वो उनमें क्या कंपैरिजन है, सारे क्या रहेंगे इक्वल, वर्टिकल वाले तो हॉरिजॉन्टल में सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा, तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि इसको मान लेते हैं कितने एंगल पर फेंका गया है, थीटा वन पर, इसको कितने पे फेंका गया है, थीटा टू पर, और इसको कितने फेंका गया है, थीटा थ्री पे। तो थीटा वन थीटा टू और थीटा थ्री के अंदर रिलेशन बताना आपको कि वही कौन सा कम होगा कौन सा ज्यादा होगा, इस तरीके से। हाँ दूसरा क्वेश्चन सेम ही है, सेम डायग्राम है, बस थीटा वन, इसको थीटा वन पर फेंका गया, इसको थीटा टू पर, इसको थीटा थ्री पर, आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा होगा या सबसे बड़ा, मतलब कोई रिलेशन बताना है, मतलब इस तरीके का, यहाँ पर थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री कर दो, कर सकते हो, अरे बोलो, हाँ फर्स्ट वाला हो जाएगा, ऐसे देख के बता देता हूँ, हैं इतना क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन ये है बेटा कि मान ले इस पार्टिकल को तूने प्रोजेक्ट किया, तो इसके लिए एंगल कितना रखा होगा तूने, थीटा वन, इसके लिए थीटा टू, इसके लिए थीटा थ्री, बस भाई अब तेरे को बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा होगा और सबसे कम कौन सा होगा, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री में से। क्वेश्चन समझ आएगा थोड़ा, हाँ कौन सा, थीटा थ्री या थीटा वन, तीसरा वाला ज्यादा होगा,
मतलब अभी कंफ्यूजन है, पता नहीं है, क्योंकि मैथ तो लगा नहीं रहोगे तुम। अरे मैथ लगा लो, उतरा जाएगा। मैथ लगाने के अंदर सिंपल सा है कि भैया आर थ्री सबसे ज़्यादा है, जो रेंज है वो थ्री की ज़्यादा है ना सबसे, फिर टू की, फिर वन की। और रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, टू यू एक्स इंटू में यू वाई डिवाइड बाई ए वाई। यही पढ़ा है ना, ये कुछ नहीं आता। क्या पढ़ा है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, तो यू इसके अंदर दोनों में आ रहे ना, यू साइन थीटा यू कोस थीटा, तो वही चलेगा, टू बाहर आ गए नोट भाई जी। अच्छा सर ये है, तो मतलब इन सब में कंपेरिजन करना है ना, तो सर टू तो सबके लिए सेम, ये भी सबके लिए सेम, एक्स डायरेक्शन का पता नहीं लेकिन वाई डायरेक्शन सबके लिए सेम, तो इसका मतलब होगा सर इसके लिए एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी ज़्यादा है और इसके लिए मतलब थ्री के लिए है ना, थ्री फिर टू के लिए फिर वन के लिए। अब तो सर इसका ना ऐसे आएगा कि इसको हो सकता है किसी और वेलोसिटी के साथ फेंका गया हो, किसके साथ फेंका गया हो, यू थ्री के साथ, तो इसका कितना आएगा, साइन साइन आएगा कोस कोस थीटा थ्री फिर ग्रेटर, और फिर क्या आएगा बेटा, यू टू कोस थीटा टू, फिर क्या आएगा, यू वन कोस थीटा वन। इन दोनों का प्रोडक्ट का बताया हमको, ये दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों का जो गुणा है वो इससे बड़ा होगा किससे, इससे, और ये इस किससे बड़ा होगा, इससे। एंगल के बारे में कैसे कह सकते हैं, एंगल के बारे में थोड़े ना कह सकते हैं, अरे कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। एक चीज और भी है बेटा, दूसरी चीज क्या है कि तीनों का वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब क्या था, यू थ्री साइन थीटा थ्री इज इक्वल टू क्या था, यू टू साइन थीटा टू इज इक्वल टू यू वन साइन थीटा वन। ये भी बात तो थी, अरे यार ये बात थी कि नहीं थी, थी, तो ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम है, क्या इन दोनों से अपन कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं थीटा के अंदर या यू के अंदर, क्योंकि अभी भी अपने को ये नहीं पता चल रहा है कि यू किसका ज़्यादा होना चाहिए। नहीं बात समझा रही, क्योंकि ये खुद के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट पे तो डिपेंड कर रहा है ना, दोनों के गुणा पर डिपेंड कर रहा है ना, अगर इन दोनों का गुणा कुछ भी ऐसा हो वो इसके इक्वल आ जाए और वो इसके इक्वल आ जाए तो बात खत्म हो जाएगी फिर। बट एक रिलेशन ये भी तो है, क्या हम इन दोनों के यूज से कुछ कर सकते हैं क्या, ट्राई कर लो जरा। अब सोचो इसको ऐसे हवा में तुक्के मार रहे थे, या पॉसिबल नहीं है रिलेशन निकाल पाना, कि सर इस डायग्राम को देखकर पॉसिबल नहीं है डायग्राम को कि अपन निकाल पाए ठीक तरीके से क्या रिलेशन आएगा, कोशिश कर लो एक बार। चलो करें या तुम्हारे बस का नहीं है, अरे है क्या सर, है तेरे बस का है, इतना बस का भी नहीं है। चलो मैं मान लेता हूँ कि किसके इक्वल आ रहा होगा बेटा, के सब बराबर है ना, इसको कोई ना कोई कॉन्स्टेंट के मान लेता हूँ। चलो 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 यू थ्री बताओ फिर, यू थ्री कितना जाएगा, के डिवाइड बाई थ्री, अरे आया नहीं आएगा, वैसे यू टू भी आ जाएगा, वैसे यू वन भी आ जाएगा। चलो तो इसका मतलब है सर यू थ्री की वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, के कोस थीटा थ्री डिवाइड बाई, अरे सही कर रहा हूँ ना अभी तक, तुम ही बताओगे मुझे कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सीख के भी तुम्हें जाना, अभी तक ठीक किया, समझ आ रहा है, बोलो ग्रेटर देन। यू टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के डिवाइड बाई साइन थीटा टू इंटू में कोस थीटा टू ग्रेटर देन। यू वन की वैल्यू कितनी है, के अपॉन में साइन थीटा वन इंटू में कोस, जरा ध्यान से देखो के से तो के गया, पक्का एक बार रख लेते हैं के को, के इंटू में ये कितना आएगा, कोट आ गया, कोट थीटा थ्री ग्रेटर देन के इंटू में कोट थीटा टू इंटू में के इंटू में कोट थीटा वन। अगर के पॉजिटिव हुआ तो ये चेंज नहीं, साइन चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे, तो इसका मतलब है मैं ऐसे कह सकता हूँ, और वो पॉजिटिव है भी, वो पॉजिटिव है ना, ये और ये मल्टीप्लाई दोनों का पॉजिटिव है, कितना आएगा बेटा, कोट थीटा थ्री ग्रेटर देन कोट थीटा टू ग्रेटर देन कोट थीटा वन। अब बताओ कोट के लिए अपन को चेक करना है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होता है, कोट जीरो इन्फानाइट होता है और कोट नाइन्टी जीरो होता है, तो मतलब इन्फानाइट से घटकर कहाँ तक आ गया,
जीरो, अरे टेन वाला इंक्रीजिंग होता है ना, जीरो से इन्फिनिटी तक जाता है, ये तो इन्फिनिटी तक जीरो था, तो इसका मतलब चिन्ह इस बार बदल जाएंगे। तो बदल जाएंगे तो क्या आएगा बेटा, थीटा थ्री लेस देन थीटा टू लेस देन, इस तरीके से हम बता सकते हैं। अरे बोलो, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? सर यही तो हम कह रहे थे ना, ये नहीं कह रहे थे तुम? क्या सही था? ठीक है कोई बात, अच्छा है। ये तो पता होगा ना, इनइक्वालिटी को जब पॉजिटिव से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है चिन्ह से, माइनस से करते हैं तो चेंज हो जाता है। अच्छा प्रश्न था, प्यारा था, ये मैं पहली बार ही करवा रहा हूँ, अभी मेरे आज ही दिमाग में आया, करवा देते हैं ऐसा भी, और ना हर बार मैं वो टाइम वाले करवा देता हूँ, एक्स्ट्रा कुछ कराता ही नहीं, आज सोचा नहीं चलो कुछ एक्स्ट्रा तूफानी करते हैं, है ना? हाँ, तूफानी करने के लिए कोई बच्चा ड्यू नहीं पिएगा, पहले बताता हूँ। क्या पिएंगे? कोई बच्चा तूफानी करने के लिए ड्यू नहीं पिएगा, क्या पियोगे उसकी जगह पर? गन्ने का जूस। नहीं पिएगा? अरे पी भाई, इकोनॉमी बढ़ाओ देश की, क्या कर रहे हो? हैं अब ऐसे पर्सन कर सकते हो ना तुम, अगर ऐसे पर्सन तुमको दिख जाएंगे तो तुम ये देख लेना कि किसमें क्या सेम है, क्या सेम है तो कौन सा कंपोनेंट सेम है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है उसके लिए कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ये सारी चीजें तुम नॉर्मली कर सकते हो ना, बस अगर कर दोगे तो काम हो जाएगा। आगे बढ़े, मैं वो एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ कि एक पार्टिकल है उसको इतने पे फेंका जा रहा है, कितने एंगल पर जाके गिरेगा, ये नहीं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं करते। अरे बोलो यार, करना है क्या? नहीं करना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं दुनिया में। क्या बोल रहे हैं भाई? क्वेश्चन है एक क्वेश्चन, यस, कि अपने पास एक प्रोजेक्टाइल है इस तरीके से, यहां से फेंक रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड से, क्या खराब नहीं हुआ है? तो सुनता था ना, यहां पर पानी है, क्या है? पानी से भरा हुआ है, पानी है, पानी तालाब है, क्या है? तालाब, पॉन्ड। चलो तो क्वेश्चन क्या है बेटा, 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, और ये कितने दूर है? 40 मीटर दूर है, और ये जो पॉन्ड है इसका विड्थ कितना है? 20 मीटर, ठीक है ना? आपको बताना है कि थीटा की रेंज क्या होनी चाहिए, मतलब थीटा कहाँ से लेकर कहाँ तक होना चाहिए जिससे जो पत्थर फेंक रहे हो ना वो कितने से कहाँ जाके गिरे, हर बार तालाब के अंदर ही गिरना चाहिए। हाँ, तो रेंज ऑफ थीटा, थीटा की रेंज क्या होनी चाहिए बताओ, जिससे गेंद, गेंद में ले लेता हूं, बोलो गेंद हमेशा कहां गिरे? तालाब में गिरे। पहली बात तो ये कि क्या ये 40 मीटर को तो पार कर पाएगी? अरे भाई 40 मीटर दूर है, मान लो कि बच्चा फेंक रहा है और उस उतनी दूर कितनी भी कोशिश कर ले वो यहां तक नहीं पहुंचा पा रहा,
बाद में की बात है ना वो, तो एंगल वाली तो बाद की बात है। तो क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी मैक्सिमम रेंज निकाल लो, और वो कितनी होती है, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, और जी को कितना लेना है अभी, लगभग कितना ले लो बेटा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्चुअल में कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है, और उससे भी एक्चुअल अपन ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे ठीक तरीके से, ठीक है ना, वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, जो ध्रुव होते हैं पोल्स वहाँ पे अलग होता है, जो इक्वेटर होता है वहाँ पे अलग होता है। तो रॉकेट को कहाँ से छोड़ना चाहिए ये भी सवाल है, कि पोल से छोड़ दें कि इक्वेटर से छोड़ें कि कहाँ से, वो जी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। बट फिलहाल के लिए अपन जी को कितना मान रहे हैं, 10, 9.8 से थोड़ा ज़्यादा ही मान रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो कितना आएगा मैक्सिमम, 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, टिचक टिचक 160 आ गया क्या, तो यानी 160 मीटर तक अधिक, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना फेंक सकता है, 160, और ये इसको फेंकना कितना है, 60 ही फेंकना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम तो यहीं तक फेंकना है ना इसको, और मिनिमम से मिनिमम 40, यानी इसकी जो रेंज है वो 40 से 60 के बीच में रहनी चाहिए। कर पाओगे, कर पाओगे क्या, चलो 30 सेकंड है तुम्हारे पास, कर दो फटाफट, मुझे दिखा दो मेथड कौन सा लगा रहे हो, कैसे करोगे। लेकिन पहले काम ये करना है, अपन को चेक करना है कि कहीं यहीं तक नहीं पहुंच पा रही, क्या ही फायदा है फिर, तुम एंगल कितना भी रख लो पहुंचेगी नहीं, अरे है कि नहीं। अब तो इसके हाथ में है ना कि ये 0 मीटर से 160 तक फेंक सकता है, 0 कब आएगा बेटा, जब वो ऊपर की ओर फेंक दे गेंद को, किधर फेंक दे, तो गेंद वापस आके यहीं गिरेगी, और ये 45 पर फेंक दे तो कहां पर जाएगी, 160 मीटर दूर जाएगी। थीटा की रेंज निकाल लिया ना, चलो तो अपन मान लेते हैं, मानना क्या है, इसको ऐसे लिखो, जो रेंज है वो मिनिमम से मिनिमम कितनी होनी चाहिए बेटा, 40, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 60। अच्छा सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी लेस देन 60। सर ये जी होता है कितना, 10 से मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा, 400 लेस, और ये कितना बनेगा बेटा, 40 का स्क्वायर साइन 2 थीटा लेस देन 600, और ये 1600 हो गया मेरे ख्याल से, 1600 का डिवाइड कर दूं, और कर दूं क्या, कितना आया बेटा, ये 1/400 हो गया, ये तो 1/400 हो गया साइन 2 थीटा, और ये कितना हो गया, 600 डिवाइड बाई, सोलह सौ को भाग दोगे, चार ही बचा, ठीक है, इसको लिख दो फिर 3/8 बोला। अच्छा तो अभी 2 थीटा निकाल लो, कितना जाएगा, साइन इनवर्स 1/4 साइन इनवर्स 3/8। सवाल ये है कि ये साइन चेंज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, सवाल तो ये भी है ना। अगर तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तब तो नहीं होगा, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो होगा। तो अगर आपको याद है साइन इनवर्स का, मैं हर जगह साइन इनवर्स ले रहा हूँ, पता है ना तुमको, अगर साइन इनवर्स ले रहा हूँ तो कैसा बनता है साइन इनवर्स का ग्राफ, याद है क्या, -1 से लेकर 1 तक बनता है पहली बात तो, और कहाँ तक जाता है, -π/2 से लेकर, क्या ये बढ़ नहीं रहा क्या, अरे इंक्रीजिंग है कि नहीं, अगर इंक्रीजिंग है तो साइन चेंज नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ठीक है, अब यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स 1/4 से लेकर 2, ये आपका आंसर है। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, हाँ इस एंगल निकल जाएगा कुछ ना कुछ, ये भी वैल्यू अपन को सही से पता नहीं है, 1/4 कैलकुलेटर का यूज करके निकाल लेंगे, है ना, मैंने डाटा इसी लिया, लेकिन निकाल लेंगे, उसके बाद एंगल आएगा वो तो मिनिमम से मिनिमम इतना एंगल होना चाहिए, और अधिकतम से अधिकतम इतना, उसके ऊपर जब फेंकोगे तो हमेशा कहाँ से गिरेगी, तालाब में गिरेगी। घंटे पहुँचा दूंगा धीरे धीरे, लेकिन धीरे 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 रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे सो गुड़ा, ऋतु आए फल होए।
क्यों भाई? पेड़ होता है उसमें पूरे साल भर पानी डालना पड़ता है ना, और फल कब लगते हैं? जब ऋतु आती है तभी लगते हैं ना, वरना तो नहीं लगते। तो पेशेंस 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 बहुत जरूरी है बेटा, है ना। अभी तो तुम्हारे अंदर क्या जोश है तैयारी करते रहेंगे, तो तुम लगातार लगे रहते हो, है ना। धीरे धीरे पेशेंस क्या होता है बेटा, कम होने लगता है, मन नहीं करता, फिर पढ़ने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये जो होगा ना, वही तो आपको मोटिवेट करेगा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब हो, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। तो आपको इंतजार करना है जब तक ऋतु नहीं आती है, और तब तक लगातार काम करना है, लगातार पानी डालना है, भले ही फल आए या नहीं आए। फल आ गए, बड़े जल्दी फल आ रहे तुम्हारे। क्या ट्वेल्थ का फल आने वाला है? हाँ चलो देखें। अरे एक और प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है कि मैंने एक पार्टिकल को इनिशियली यू वेलोसिटी से फेंका और इनिशियल एंगल है कितना? 30 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको बताना है यू मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल, वेक्टर वी तथा वेक्टर ए के बीच का कोण। कब 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 बताना है? पहला जब स्टार्टिंग पे फेंका गया है ना, तो मैं टाइम लिख दूं जब टी बराबर जीरो। अरे ये ऐसे जाएगा, तो ये टाइम कौन सा होगा बेटा? टी बराबर जीरो। और ये टाइम कितना होगा? टी बराबर कैपिटल टी बाई टू। और ये टाइम कौन सा होगा सर? टी बराबर कैपिटल। अरे बोलो यार, होगा कि नहीं? पता नहीं भाई, अभी तक पता नहीं चला तेरे को। त्वरण तो नियत ही है, एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट ही है, नीचे की ओर लग रहा है ना जी, वो तो उसका तो फिक्स है, किधर लगेगा? नीचे की ओर ही लगेगा। तो पहला है इसके ऊपर, दूसरा है टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई टू पर, तीसरा है टी पर। इन तीनों के ऊपर आपको किस किस के बीच का एंगल निकालना है? वी और ए के बीच। बताओ फटाफट, 30 सेकंड आपके पास। अरे पहला बताओ इनिशियली, डायग्राम बना लो तो आंसर आ जाएगा। क्या पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या कुछ? देख तुम पेन चलाना पड़ रहा है इनको, पेन चलाना पड़ेगा क्या अब इसके लिए भी? एक्सेलरेशन किधर है? तो नीचे की ओर, इतना ही हुआ ना, ए बराबर जी हो गया। और अभी ये वेलोसिटी किधर है? इनिशियल इधर ही है ना, तो ये एंगल कितना है? 30। और ये एंगल कितना है? तो टोटल एंगल कितना हो गया अभी? तो कुछ पेन चलाने की जरूरत है क्या? नहीं है। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए चला रहा हूं, ले इसके अंदर 90 आएगा ना। कैसे आएगा? इस यहां पर वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ इधर ही रहेगी, यू कॉस थीटा, और कहीं नहीं रहेगी। और जी किधर रहेगा? नीचे की ओर। कितना एंगल आया? 90 डिग्री। तो दूसरे में कितना आ गया? 90। तीसरे में कितना आएगा बता? सिक्सटी आएगा। अरे भाई जी इधर लगेगा, और ये जब गिर रहा होगा इसके ऊपर, तो क्या उसका वेलोसिटी इधर होगा कि नहीं होगा? ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल 30 है, तो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना रहेगा? 30। ये एंगल कितना रहेगा? 30। अरे भाई ये नहीं है, 30-30 कम करता था। ठीक से निकाल ले, ठीक है ना। तो तीसरे में कितना आ गया? 60 डिग्री। ये तो तरीका नंबर एक हुआ, वेक्टर से भी कर सकते हैं अपन इसको। ये तो मैंने मान लिया फिक्स लोकेशन पूछ ले, यहाँ पर पूछ लेता तो अपन को थोड़ा वेक्टर का भी यूज करना पड़ता। और वो वेक्टर का यूज क्या कहता है बेटा? दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? वी डॉट ए बराबर क्या करते हैं? वी यू वी कोस थीटा। क्या यहाँ से थीटा नहीं निकल जाता? निकल ही जाता। अरे निकलता कि नहीं निकलता? तो इनिशियल इनको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, जहाँ जहाँ पर पूछे गए, जहाँ जहाँ पर दिए गए। जैसे मैं तीसरे के लिए आपको बता देता हूँ, अरे बता दूँ क्या, या किसी के भी देख लो। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? यू कोस थीटा आई कैप, और एक यू साइन थीटा जे कैप। यहाँ पर तो सिर्फ यू कोस थीटा आई कैप बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा बोलो? एक तो यू कोस थीटा तो बचेगा ही बचेगा आई कैप, लेकिन नीचे वाली डायरेक्शन में कौन हो जाएगा? यू बोलो, माइनस में, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा सर आएगा तो सही। तो उसका फाइनल वाला वेलोसिटी बताओ कितना आया? वी कितना आ गया? यू कोस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। और ए बराबर कितना है बेटा? जे कैप माइनस जी जे कैप।
अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो डॉट करेंगे तो आई का आई के साथ जे का जे के साथ, इसमें तो आई है ही नहीं तो होगा ही नहीं, इसका इसके साथ करो तो यू जी साइन थीटा ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू वी, यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, यू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर यू इन टू मी, इसका मैग्नीट्यूड जी, साथ ही साथ कोस थीटा, टिचक 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 कट गया, अरे 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 बोलो साइन थीटा, ये साइन 30 डिग्री था ना, साइन 30 कितना होता है 1/2, कोस कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच में लास्ट में एंगल कितना आएगा 60, ये है, ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये एक्सेलरेशन वेक्टर है और इन दोनों के बीच का एंगल इतना है, अरे है कि नहीं है, पक्का निकल जाएगा ना, कोई समस्या या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है क्या, ठीक है ना, बाकी अपन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कल और करेंगे और थोड़ा अपन और एडवांस में धीरे धीरे जाएंगे, कल किसी हाइट से भी अपन फेंकेंगे, ठीक है ना, कि हाइट से जब प्रोजेक्टाइल कराई जाती है तो कैसा होता है, ओके, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना इसको, अच्छे से रिवाइज करना, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।